हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर कैसे एम्बेसी या हाई कमीशन में, जो कि इंडिया में न्यू दिल्ली में लोकेट करती हैं चाणक्यपुरी के अंदर, उसमें कैसे आप जॉब पा सकते हैं। ठीक है, कौन सी जॉब होती है जो कि फ्रेशर्स भी कर सकते हैं और किस जॉब के लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, अगर आप फ्रेशर हैं, इस वीडियो में मैं फ्रेशर के लिए जॉब के बारे में बताने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं उन लोगों के लिए भी जॉब के बारे में बताऊंगा जो कि एक्सपीरियंस्ड है, जिनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहली जॉब जो कि फ्रेशर के लिए एम्बेसी या फिर हाई कमीशन में, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन, न्यूजीलैंड हाई कमीशन और फ्रांस एम्बेसी, ये हो गई, इन सब में निकलती रहती है, वो होती है वीज़ा ऑफिसर की। ठीक है, अब वीज़ा ऑफिसर में भी ग्रेडिंग होती है, जैसे वीज़ा ऑफिसर बी होते हैं, वीज़ा ऑफिसर ए होते हैं, ये आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप फ्रेशर, एज अ फ्रेशर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो वीज़ा असिस्टेंट की यहाँ पर पोजीशन होती है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, इसके लिए आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। ग्रेजुएशन इज़ कंपलसरी फॉर अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, और अब हम बात करते हैं कि आखिर आप यहाँ पर जो प्रोसीजर होता है, कैसे आप अप्लाई करते हैं, कैसे आपको वीज़ा के बारे में नॉलेज हो सकती है। तो देखिए, जो कई सारी रिक्रूटमेंट होती हैं, यानी जो एम्बेसी होती है, वो हायर करती है उन लोगों को जिनके पास वीज़ा का एक्सपीरियंस होता है। यानी थोड़ी बहुत तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास, क्योंकि इसके इसमें दो राउंड होते हैं। ठीक है, दो राउंड होते हैं। एक राउंड होता है कम्युनिकेशन राउंड, जिसमें आपके बारे में पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, जिसमें आप बताते हैं कि आपने क्या क्या चीज़ें कंप्लीट की, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, नेम, ये सब आप बताते हैं। एंड द इन द सेकेंड राउंड यू आर आस्क्ड अबाउट द प्रोसीजर ऑफ द वीज़ा। ठीक है, वीज़ा का जो प्रोसीजर होता है वो, उसके बारे में पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे सिंपल एंड बेस्ट तरीका यह है कि अगर आपको वीज़ा की नॉलेज लेनी हो, यानी जिस एम्बेसी में आप अप्लाई करेंगे, अगर ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन में अप्लाई कर रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से जो मेन वीज़ास होते हैं, कैसे कैसे प्रोसीजर होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड किए जाते हैं, तो VFS यानी वीज़ा फैसिलिटेशन की वेबसाइट है, एक गूगल पे आप अगर डालेंगे तो वहाँ पर उनके थ्रू अप्लाई किया जाता है वीज़ा के लिए। तो वहाँ पर सारी डिटेल आपको मिल जाएगी कि अगर आपको ऑस्ट्रेलिया के लिए वीज़ा प्रोसेस करवाना, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन से कंपलसरी डॉक्यूमेंट होते हैं, आप वहाँ पर जाके पूरा उसके बारे में रीड आउट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको एक वीज़ा की समझ आ जाएगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और किन किन तरीके का प्रोसीजर होता है। उसके बाद में सेकेंड चीज़ कि आपके टाइपिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर होता क्या है, जब भी आप वीज़ा प्रोसेस करेंगे तो वीज़ा प्रोसेस करने में एंट्री करनी पड़ती है। ठीक, तो अगर आपके टाइपिंग स्किल्स अच्छी हैं तो इसका एक एडवांटेज वहाँ मिल सकता है। और सबसे, ठीक है, थर्ड नंबर पे और सबसे जो इम्पॉर्टेंट होती है वो आपकी होती है इंग्लिश फ्लुएंसली। ठीक है, उसमें आप क्या होने चाहिए, एकदम परफेक्ट होने चाहिए, आपकी जो इंग्लिश फ्लुएंसी है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ का जो इंटरव्यू होंगे, दोनों राउंड के इंटरव्यू होंगे, वो टोटली इंग्लिश में ही होंगे, क्योंकि जो आप जिस डिपार्टमेंट में आपकी रिक्रूटमेंट की जाएगी उसके जो हेड होंगे वो जो फॉरेनर होते हैं कोई ना कोई, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करते होंगे, डिप्लोमेट होते हैं, तो वहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो मैंने क्या क्या बताया आपको, ग्रेजुएशन एक, तो एक आपके टाइपिंग स्किल, वीज़ा प्रोसेस के नॉलेज, और एक इंग्लिश जो फ्लुएंसी है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब इसके बारे में पता कैसे चलता है, देखिए, जो भी एम्बेसी होती है, हाई कमीशन होती है, आप डायरेक्ट गूगल पे टाइप कीजिए कि ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन वैकेंसी। जैसे ही पेज खुल के आएगा, सबसे ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट होती है न्यू दिल्ली के अंदर। फिर वहाँ पर आपको क्लिक करके वैकेंसी का ऑप्शन देगा और उसमें आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक, और उसमें आपको पोजीशन दिखाएगा कि कई पोजीशन बाहर भी निकली रहती हैं, कई पोजीशन न्यू दिल्ली में निकली रहती है, तो आप ओपन कीजिए और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार देख लीजिए। जो मेनली मैंने बता दिया आपको, फ्रेशर के लिए जो वीज़ा की पोस्टें निकलती रहती है, और कई सारी एम्बेसी और हाई कमीशन है, जैसे कि पोलैंड एम्बेसी हो गई, ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन, ब्रिटिश हाई कमीशन, अमेरिकन एम्बेसी, ठीक है, नीदरलैंड एम्बेसी, कैनेडियन हाई कमीशन, तो इतनी सारी एम्बेसीज और कई सारे जितनी कंट्री है उतनी एम्बेसीज और हाई कमीशन यहाँ पर सिचुएटेड होते हैं। तो आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट आपको रेगुलर विजिट करनी पड़ती है। तो ये थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि फ्रेशर्स के लिए होता है।
एक पोजीशन और होती है जिसको हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोजीशन, लेकिन इसके लिए आपको 1 या 2 साल का एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद में आप एडमिनिस्ट्रेटिव जो असिस्टेंट होता है उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और अदर जो पोजीशंस होती है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि उसमें क्वालिफिकेशन ज़्यादा मांगी जाती है, जैसे कि आपने मास्टर्स कंप्लीट कर रखी हो और उसके साथ में आपको 3 या 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और इसमें जिस बारे में मैंने आपको जॉब के बारे में जिसके भी बारे में बताया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सब आपको पसंद आई हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो जो मैं जॉब के ऊपर बनाऊंगा तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।